नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड फेमस लवर के अपने पहले दिन के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। वही दोस्तों कनाडा मूवी डेमोपिस का अपने पहले दिन के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों कनाडा इंडस्ट्री यानी सैंडलवुड इंडस्ट्री के और एक मूवी जिसका नाम है नवरथना, उस फिल्म का अपने पहले दिन का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना हो चुका है ये पूरा जानकारी मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप वीडियो के फास्ट से लास्ट तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों पहले अगर बात करें तेलुगु यानी टॉलीवुड इंडस्ट्री के मूवी वर्ल्ड फेमस लवर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, नाउ आई लिटरली फील द पेन। दोस्तों वैलेंटाइंस डे स्पेशल वर्ल्ड फेमस लवर जैसे डायरेक्ट किया है क्रांति माधव जी ने, वही दोस्तों फिल्म को प्रोड्यूस किया है के ए भल्लाभा जी ने। बात करें दोस्तों फिल्म के स्टार कास्ट की, तो दोस्तों फिल्म के स्टार कास्ट में देखने को मिलेगा आपको विजय देवरकोंडा, ऐश्वर्या राजेश, इसाबेला लैती, राशि खन्ना और चित्रायना त्रिशा जी को। वही दोस्तों फिल्म 3 भाषाओं के साथ रिलीज किया गया है, तेलुगु, तमिल और मलयालम। यानी दोस्तों फिल्म ओरिजिनली तेलुगु लैंग्वेज से शूट किया गया है और इस फिल्म को बाद में मलयालम और तमिल पे डब करके रिलीज किया गया है। बात की जाए दोस्तों फिल्म की बजट की, तो दोस्तों वर्ल्ड फेमस लवर मूवी के प्रोडक्शन कॉस्ट यानी दोस्तों फिल्म बन के तैयार हुए है 50 करोड़ रुपए में। वही दोस्तों फिल्म के प्रिंट और पब्लिसिटी कॉस्ट है 5 करोड़ रुपए। यानी दोस्तों वर्ल्ड फेमस लवर के टोटल बजट हो जाता है 55 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जाहिर सी बात है दोस्तों अगर फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे हिट होने हैं तो मिनिमम 65 करोड़ की ऊपर बिजनेस करने होंगे। लेकिन दोस्तों वही अगर बात करें फिल्म की प्री रिलीज बिजनेस के बारे में, तो दोस्तों वर्ल्ड फेमस लवर के डिजिटल राइट्स यानी दोस्तों फिल्म को ऑनलाइन दिखाने के राइट्स बिके हैं 25 करोड़ रुपए में। वही दोस्तों फिल्म के सैटेलाइट राइट्स यानी दोस्तों फिल्म को टीवी पे दिखाने के राइट्स बिके हैं 30 करोड़ रुपए में और फिल्म के म्यूजिक राइट्स बिके हैं लगभग 5 करोड़ रुपए में। यानी दोस्तों विजय देवरकोंडा की मूवी वर्ल्ड फेमस लवर ने अपने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने से पहले ही फिल्म के डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स को बेच कर लगभग 60 करोड़ की रिकवरी कर ली थी। बात की जाए दोस्तों फिल्म के स्क्रीन काउंट की, तो दोस्तों वर्ल्ड फेमस लवर को इंडिया में लगभग 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है और ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर इस फिल्म को 500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। यानी दोस्तों वर्ल्ड फेमस लवर को टोटल वर्ल्ड वाइड 3000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। बात की जाए दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों वर्ल्ड फेमस लवर के आज मॉर्निंग वाले शोज के ऑक्युपेंसी 80 से लेके 90% तक के हाउसफुल रहे और आफ्टरनून शोज के 75 से लेके 80% तक के हाउसफुल रहे। तो दोस्तों अभी के रिपोर्ट के अनुसार फिल्म वर्ल्ड फेमस लवर आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर रहे लगभग 17 करोड़ रुपए। वही दोस्तों फिल्म का अपने पहले दिन का टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन होते हैं 20 करोड़ रुपए। बात करें दोस्तों ओवरसीज मार्केट की, तो दोस्तों अभी के जानकारी के अनुसार फिल्म आज ओवरसीज मार्केट से कलेक्शन कर रहे लगभग 4 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जब फिल्म के अपने पहले दिन का टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुके हैं 20 करोड़ रुपए, वही दोस्तों फिल्म ने अपने पहले दिन ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल कलेक्शन कर लिया है 4 करोड़ रुपए। यानी दोस्तों तेलुगु मूवी वर्ल्ड फेमस लवर अपने रिलीज के पहले दिन टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया है 26 करोड़ रुपए। तो दोस्तों यही था फिल्म वर्ल्ड फेमस लवर के अपने पहले दिन का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन जो कि हो चुके हैं 26 करोड़ रुपए। अब अगर बात करें दोस्तों डेमोपिस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, नी हुडुकरु वारक मूर अक्पक लैंग्वेज सिनेमा नोड़तीरा अदरली डायलॉग इल बंद हेल्तीरा अदे ताने निम्मंत हुडुगुर बुद्धि। दोस्तों वैलेंटाइंस डे स्पेशल रोमांटिक लव स्टोरी मूवी डेमोपिस जिसे डायरेक्ट किया है विवेक और गौदा ने, वही दोस्तों फिल्म को प्रोड्यूस किया है इस परेश रेखा जी ने। बात करेंगे दोस्तों इस फिल्म के स्टार कास्ट की, तो दोस्तों फिल्म के स्टार कास्ट में देखने को मिलेगा आपको भारत बोपन्ना, सोनाल मंटेरियो और स्पर्शी रेखा जी को। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म की बजट की, तो दोस्तों डेमोपिस मूवी के प्रोडक्शन कॉस्ट यानी दोस्तों फिल्म बन के तैयार हुए है 15 करोड़ रुपए में। वही दोस्तों फिल्म के प्रिंट और पब्लिसिटी कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए। यानी दोस्तों डेमोपिस के टोटल बजट हो जाते हैं 16 करोड़ रुपए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे अगर क्लीन हिट भी होने हैं फिर भी 20 करोड़ के ऊपर बिजनेस करने होंगे। लेकिन दोस्तों वही अगर बात करें दोस्तों फिल्म के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में, यानी दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने से पहले के इनकम की, तो दोस्तों फिल्म रिलीज होने से पहले ही अपने बजट क्रॉस रिकवरी कर ली है, वो कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ।
दोस्तों डेमो पीस मूवी के डिजिटल राइट्स यानी दोस्तों फिल्म को ऑनलाइन दिखाने के राइट्स बिके हैं 7 करोड़ रुपए में। वही दोस्तों फिल्म के सैटेलाइट राइट्स यानी दोस्तों फिल्म को टीवी पे दिखाने के राइट्स बिके हैं 9 करोड़ रुपए में और फिल्म के म्यूजिक राइट्स बिके हैं लगभग 2 करोड़ रुपए में। यानी दोस्तों डेमो पीस मूवी ने अपने बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने से पहले ही फिल्म के डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स को बेच कर 18 करोड़ की रिकवरी कर ली है। बात की जाए दोस्तों फिल्म के स्क्रीन काउंट की तो दोस्तों डेमो पीस मूवी को इंडिया में लगभग 1000 स्क्रीन पे रिलीज किया गया है और ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर इस फिल्म को लगभग 200 स्क्रीन पे रिलीज किया गया है। यानी दोस्तों डेमो पीस मूवी को टोटल वर्ल्ड वाइड 1200 स्क्रीन पे रिलीज किया गया है। बात की जाए दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों डेमो पीस मूवी के आज मॉर्निंग वाले शोज के ऑक्यूपेंसी 70 से लेकर 80% तक के हाउसफुल रहे और अभी के जानकारी के अनुसार फिल्म आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर रहे लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए। वही दोस्तों फिल्म के आज इंडिया ग्रोस कलेक्शन होते हैं 6 करोड़ रुपए। बात की जाए दोस्तों ओवरसीज मार्केट की तो दोस्तों ओवरसीज मार्केट में इस फिल्म को बहुत ही कम स्क्रीन पे रिलीज किया गया था, जहाँ से अभी के रिपोर्ट के अनुसार ओवरसीज मार्केट से आज कलेक्शन कर रहे लगभग 50 लाख रुपए। तो दोस्तों जहाँ फिल्म के अपने पहले दिन का टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुके हैं 6 करोड़ रुपए, वही दोस्तों फिल्म ने अपने पहले दिन ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल कलेक्शन कर लिया है 50 लाख रुपए। यानी दोस्तों डेमो पीस मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया है 6 करोड़ 50 लाख रुपए। तो दोस्तों यही था कनाडा मूवी डेमो पीस का अपने पहले दिन का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन जो की हो चुके है 6 करोड़ 50 लाख रुपए। वही अगर बात की जाए दोस्तों नवरथना मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की दोस्तों नवरत्ना जो एक्शन एडवेंचर मूवी है सनडाउट इंडस्ट्री के, बात करेंगे दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्शन की तो दोस्तों फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रताप राज ने, वही दोस्तों फिल्म को प्रोड्यूस किया है चंद्रशेखर सीपी जी ने। वही अगर बात की जाए दोस्तों फिल्म के स्टार कास्ट की तो दोस्तों फिल्म के स्टार कास्ट में देखने को मिलेगा आपको मोक्षा कोशाल, शरद, प्रताप राज और अमित को। बात की जाए दोस्तों फिल्म की बजट की तो दोस्तों इस फिल्म को बहुत ही कम बजट में बनाया गया है। जी हां दोस्तों फिल्म का प्रोडक्शन कॉस्ट यानी दोस्तों फिल्म बनकर तैयार हुए है 9 करोड़ रुपए में। वही दोस्तों फिल्म के प्रिंट और पब्लिसिटी को से लगभग 50 लाख रुपए यानी दोस्तों फिल्म के टोटल बजट हो जाते हैं 9 करोड़ 50 लाख रुपए। बात करें दोस्तों फिल्म के स्क्रीन काउंट की तो दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में लगभग 700 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है और ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर इस फिल्म को 100 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। यानी दोस्तों फिल्म नवरत्ना को टोटल वर्ल्ड वाइड 800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। हालांकि दोस्तों फिल्म का जो बजट है वो थोड़ा कम है, लेकिन दोस्तों फिल्म का जो डायरेक्शन वो कमाल का है और कनाडा इंडस्ट्री के तो यही खासियत है दोस्तों, बहुत ही कम बजट में बहुत ही अच्छा कमाल का फिल्म बना सकता है। बात की जाए दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों अभी के रिपोर्ट के अनुसार फिल्म नवरत्ना आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया है 1 करोड़ 80 लाख रुपए। वही दोस्तों फिल्म के अपने पहले दिन का टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुके हैं 2 करोड़ 40 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों ओवरसीज मार्केट की तो दोस्तों फिल्म नवरत्ना को ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर बहुत ही कम स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जहां से अभी के रिपोर्ट के अनुसार ओवरसीज मार्केट से कलेक्शन कर लिया है लगभग 40 लाख रुपए तक। तो दोस्तों जहां फिल्म के अपने पहले दिन का टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुके हैं 2 करोड़ 40 लाख रुपए, वही दोस्तों फिल्म ने अपने पहले दिन ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल कलेक्शन कर लिया है 40 लाख रुपए तक। यानी दोस्तों फिल्म नवरत्ना अपने रिलीज के पहले दिन टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया है लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए। तो दोस्तों यही था फिल्म नवरत्ना की अपने रिलीज के पहले दिन का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन जो कि हो चुके हैं 2 करोड़ 80 लाख रुपए। तो दोस्तों आपका है क्या कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले अपडेट में, टेक केयर, बाय।